Okay. And dive onwards. Guys, welcome back to my channel. And जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं you know I am on this fitness spree और मैं you know of course अपनी diet का ध्यान रख रही हूँ और workout का भी. So workout का एक simple funda है कि भाई जितने मर्जी बजे उठो और कुछ भी करो, बस जस्ट कम आउट. तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज आई प्रेफर कि सनराइज से पहले मैं आके वर्कआउट करूं. बट इट्स ओके, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. आई थिंक 8 o'clock हुए हैं. यस, 8 o'clock हुए हैं. और आई जस्ट थॉट कि लेट्स गो. और बारिश भी होती है तो आई जस्ट अपनी हुडी को ऊपर करके यू नो यू कैन रन एंड बहुत अच्छा लगता है. एंड सो आई एम इन स्टैनली पार्क राइट नाउ और मैं थोड़े से डिफरेंट जगह पे आई प्रेफर कि वर्कआउट करें. जैसे कि कभी मैं सी वॉल है एक यू नो उसके बहुत सुंदर व्यूज़ है वहाँ पे जाती हूँ. आज मैंने सोचा स्टैनली पार्क चलते हैं और क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइजेस के लिए ना एक प्लेस है जहाँ पे थोड़े इक्विपमेंट्स वगैरह भी हैं तो वो भी कर सकते हैं. वैसे कोविड में वो चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए. बट यस, आई एम इन स्टैनली पार्क टुडे. और इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, जस्ट वेलकम टू माई चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स. सो ऑन माई चैनल यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कैनेडा लाइफ इन जनरल एंड हाउ डू वी मेंटेन अ लाइफ स्टाइल हियर. और चलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कीजिए लाइक और कॉमेंट एंड जस्ट लुक एट द व्यू. अभी मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड ना हाथों पे ही लगती है. और चलो थोड़ा अंदर से जाते हैं. तो यहाँ पे ना क्या होता है मैं दिखाती हूँ. इस तरीके से देखो, ये लेन्स बनी हुई हैं. ये रनिंग के लिए है एंड दिस वन इज़ फॉर द बाइक्स, बट ऑफ कोर्स यू कैन क्रॉस इट. तो मैं बाइक लेन से होते हुए जा रही हूँ इस लेन में. एंड यू कैन सी, डू यू सी गाइस, ये सारी बर्फ जमी हुई है. देखो, इट्स ऑल आइस. एंड लुक एट दिस व्यू. ये व्यू आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा. एंड लेट्स से हाय टू दीज डकीज. तो अभी हम जो जा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैकिंग. ओ माय गुडनेस गाइस, यू हैव टू सी दिस. जस्ट लुक एट दिस लेक, दिस इज फ्रोजन. सो डू यू सी दिस, दिस इज ऑल फ्रोजन. ये पूरा जमा हुआ है देखो. और मुझे डर लग रहा है फोन को आगे ले जाते हुए. मैं एक आईफोन 12 प्रो मैक्स ऑलरेडी कुर्बान कर चुकी हूँ, ये नहीं कर सकती. बट डू यू सी, माय गुडनेस, पूरा जमा हुआ है. देखो पीछे वाला पोर्शन जो है वो जमा हुआ है, दैट वन इज फ्रोजन. और ये वाला जहाँ पे डक स्विम कर रहे हैं देखो, ये थोड़ा सा आई थिंक इन्हीं लोगों ने इसको यू नो बीक से अपनी वो कर दिया होगा. तो ये यहाँ क्योंकि जो वो इट्स बेसिकली फ्रॉस्ट, तो वो ऊपर जमी हुई है. मतलब इतना ठंडा नहीं है कि पूरा नीचे पानी जम जाए, तो ऊपर से जमी है. और ये जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये लोग स्विम कर रहे हैं, वो वहाँ पे इन्होंने मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज इनकी मूवमेंट से वो हिल गया. पीछे पूरा देखो उधर जमा हुआ है, देखो पूरा वो फ्रोजन है. सी, और ये देखो ये यहाँ पे, कैन यू सी, वो पीछे फ्रोजन है और यहाँ पे फ्रोजन नहीं है. ये वाले रास्ते पे
आई थिंक इन टू ईयर्स मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि नॉर्मली एक यू नो डिफरेंट रास्ता है, वहीं पे जाते हैं वो, थोड़ा वहाँ पे लोग वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, बट आज इस वाले रास्ते से चलते हैं। ये देखो यहाँ पे स्केटर्स और बाइकर्स अलाउड नहीं है, सो लेट्स गो। गाइस यू सी ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, आई थिंक ये फ्रोजन हो गए हैं। यस ओ गॉड, सो ये जो ड्रॉपलेट्स है देखो ये पूरे फ्रोजन हो चुके हैं। एंड यू सी हाउ प्रिटी इट्स लुकिंग, पहले मुझे लगा था ये गिर जाएंगे, बट नो इट्स फ्रोजन। सो अब वो देखो, लेट मी जूम इट, ये देखो। सो यहाँ पे बेसिकली अभी स्नो नहीं पड़ी है वैंकूवर में, बट यू सी जो वो पूरा ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो पूरे फ्रोजन हो चुके हैं, और देखो पूरा यहाँ से वो वाइट दिख रहा होगा आपको, ये देखो इवन ऑन दिस ग्रास, ठीक है। और ये रोड पे भी देखो जहाँ जहाँ पे पानी था, मतलब वो ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं पूरा फ्रोजन हो गया। देखो उधर देखते हैं, ये देखो सी व्हेन आई एम इवन वॉकिंग यू कैन हियर द नॉइस, ये देखो। ये बहुत स्लिपरी है क्योंकि ये पूरा जमा हुआ है यहाँ, तो इस पर चलना नहीं चाहिए, यहाँ स्लिप हो जाता। आज ही आया कि सो मैंने आपको बताया ये अपने लास्ट व्लॉग्स में कि वैनकूवर में इतनी ज़्यादा कभी स्नो पड़ती नहीं है, तो हमें स्नो का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। स्नो का बस उतना एक्सपीरियंस है कि जाके खेल लो, एक दो दिन पड़ती है और बस, और उसमें बस ये होता है कि स्नो बूट्स पहन लेते हैं और जैकेट्स तो होती ही हैं, बट आई एम श्योर जो लोग यू नो जो लोग ओके आई एम श्योर जो लोग टोरंटो वगैरह में रहते हैं, मेरे एक प्रोफेसर सस्कैचुअन में रहते हैं, कभी पॉसिबल होगा सो आई विल डू अ वीडियो कॉल विद हिम एंड रिकॉर्ड इट। सो आई एम श्योर कि वहाँ के बहुत ही अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि हमें तो मतलब ऑनेस्टली ये जो अभी ज़मीन पे फ्रॉस्ट जमी हुई थी, मुझे इतना भी नहीं पता था कि उस पर नहीं चलना चाहिए। मैंने एक स्टेप रखा था एंड आई वाज अबाउट टू स्लिप, सो या लेट्स सी। जब यहाँ पे निकलते हो ना आप, तो फिर यहाँ पे ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और फिर उधर सामने देखो वो बच्चों के लिए हैं स्विंग्स वगैरह, हालांकि कोविड में अभी उन्होंने बंद किए हुए हैं। जैसे कल मैं यहाँ पे युवराज को लाई थी तो वो बंद था, लेकिन सी ये
कि नॉर्मली पहले यू नो ये नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, बट दे हैव क्लोज्ड इट। ये पूरा देखो, आई डोंट नो आपको फोटो में ऐसे दिख रहा है कि नहीं, पूरा मेरे को लाइव जो दिख रहा है पूरा, दिस इज कवर्ड विद आइस, लाइक यू कैन सी द ग्रास इज लाइट ग्रीन बिकॉज इट इज कवर्ड विद आइस। एंड गाइस बस अब घर आ गए हैं, और आपको वो वाले पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, वो देखो। सो कभी कभी जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो फॉग से ये पूरे माउंटेन्स एकदम छुप जाते हैं, बट आज बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल सा दिन है। तो आप देखो, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय हाउस, पूरा ऊपर के यू नो स्नो पीक्स दिख रहे हैं। बस सब चलते हैं घर क्विकली। ओके गाइस सो जस्ट रीच्ड होम, और आज एक्चुअली मैंने वर्कआउट में मतलब सिर्फ वॉकिंग ही की है बिकॉज आई वॉज शूटिंग। अदरवाइज आई प्रेफर जब मैं यू नो व्हेन आई एम नॉट शूटिंग, नॉर्मली जैसे मैं डेली जाती हूँ तो मैं कोई भी यू नो एक वर्कआउट लगा लेती हूँ। मैं कुछ वर्कआउट के ऑप्शंस जो मैं यूट्यूब पे लगा लेती हूँ वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, एंड आई डू दैट। वो बेसिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं, हाफ आवर के या 40 मिनट्स के। सो उससे बहुत यू नो स्वेटिंग भी होता है, फैट बर्न भी होता है, तो वो आप कर सकते हो। आज मैंने नहीं किया बट इट्स ओके। सो एट लीस्ट आई वॉकड, एंड आई वॉकड अराउंड हाउ मेनी 7,000 स्टेप्स, और 4-5,000 मैं शाम तक कर लूँगी। एक बार और वॉक पे जाऊँगी जब यूवी के साथ जाऊँगी। सो येस, सो दिस इज़ द वे यू नो, प्रैक्टिकली जो आप अपने एक शेड्यूल में, बिजी शेड्यूल में, क्योंकि आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे ऑफकोर्स जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट माई आइडिया ऑफ दिस व्लॉग इज़ सो दैट यू गाइस स्नैच आउट सम टाइम without your excuses कि यू नो ये है वो करना था, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्नैच आउट टाइम। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला था, अगर आप एक घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे सकते तो इट्स वेरी बैड। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड टेक आउट टाइम फॉर योर ओन बॉडी। अगर आपको यू नो जैसे कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे किसी के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो यू कैन डू मेडिटेशन। सो द आइडिया इज़ वेल बींग एंड नॉट वेट लॉस। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू मूव फ्रॉम वेट लॉस टू वेल बींग। ऑफकोर्स वेट लॉस कैन बी अ गोल, बट यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद इट। एनी वेज, इनफ ऑफ ज्ञान, माई किचन इज ऑल क्लीन एंड इट्स गिविंग मी अ वेरी गुड फीलिंग। सो अभी आई जस्ट हैव माई स्मूदी एंड या आई एम साइनिंग ऑफ, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि युवराज अभी सो रहा है। So I don't want to wake him up क्योंकि मैं अपना कुछ काम कर लूँगी तब तक। So तब तक के लिए take care, if you like this video, या अगर इससे even 1% भी जो ये video देख रहे हैं ना, अगर 1% की life में भी कोई फ़र्क आता है और वो actually workout शुरू करते हैं, so I'll be happy, my job is done। और अगर आपको video पसंद आया तो like कीजिए और comment कीजिए इस video पे कि आपने workout करना शुरू किया कि नहीं, और आप क्या क्या excuses बनाते हो workout के लिए। And if you like my efforts, do subscribe to my channel and hit the bell icon. So I'll see you in the next vlog. Take care, bye.